सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF कॉन्स्टेबल और ट्रेडमैन जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने कॉन्स्टेबल, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें वैसे कैंडिडेट जो कॉन्स्टेबल, ड्राइवर, मोची, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, ट्रेलर, माली, ATC पद के लिए एलिजिबल है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म जो अप्लाई होना चालू होगा वो आपका 27 मार्च से चालू हो जाएगा। आप 27 मार्च से अपना फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट डेट रहेगा वो 25 अप्रैल 2023 रहेगा, और आपका जो एग्जामिनेशन फी भी आपको पे करने का लास्ट डेट 25 अप्रैल ही रहेगा। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट है वह 1 से 13 जुलाई 2023 के बीच, यानी कि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिट कार्ड जो है वह 20 जून को आ जाएगा। 20 जून को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 1 से 13 जुलाई के बीच जो एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा उसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो होने वाला है वह जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद जो ST और SC कैंडिडेट्स रहेंगे उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। और ऑल कैटेगरीज फीमेल, यानी ऑल कैटेगरी जो गर्ल्स रहेंगी उनका भी कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं होगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पे ऑफलाइन थ्रू द ई चलान, यानी कि आप अपना ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं ई चलान के द्वारा। एज लिमिट जो होने वाला है वह ड्राइवर पोस्ट के लिए आपका एज 21 से 27 साल के बीच होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर पोस्ट बच जाते हैं उन सब के लिए आपका एज लिमिट 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो पोस्ट के लिए है वो 9212 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से कि मेल कैंडिडेट के लिए 9105 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 107 पोस्ट है। ट्रेड और रिक्वायरमेंट वाइज पोस्ट देखें तो ड्राइवर के लिए 2372 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपका रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी है वह क्लास 10th मैट्रिक जो होता है वह एग्जामिनेशन पास रहना चाहिए विथ HMB ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपका क्लास 10th मैट्रिक रहना चाहिए विथ HMB ड्राइविंग लाइसेंस, तभी आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए पोस्ट निकाला गया है उसके लिए आपका क्लास 10th मैट्रिक रहना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट टू रिलेटेड ट्रेड, यानी कि आप जो मेडिकल के लिए भर रहे हैं, मैकेनिक मोटर के लिए भर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो ITI का ट्रेड रहना चाहिए और क्लास 10th मैट्रिक आपका पास्ड रहना चाहिए। और जो बाद बाकी पोस्ट बच जाते हैं जैसे कि मोची, इसके लिए 151 पोस्ट हैं। उसके बाद जो कारपेंटर है उसके लिए 139 पोस्ट है। ट्रेलर के लिए यहाँ 242 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद जो ब्रेस बैंड है उसके लिए 172 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद जो पाइप बैंड है उसके लिए 51 पोस्ट, और जो बिगुलर है उसके लिए 1360 पोस्ट, और जो माली है, माली के लिए भरना चाहते हैं उसके लिए 92 पोस्ट निकाला गया है। कुक वाटर करियर के लिए जो भरना चाहते हैं उसके लिए 2475 पोस्ट, धोबी के लिए 406 पोस्ट और बार्बर हेयर ड्रेसर के लिए 304, इन सभी पोस्ट को निकाला गया है। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए यदि आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ मैट्रिक पास आपको रहना होगा और इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास होना चाहिए मैट्रिक, और जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपको नो ले जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ट्रेलर के लिए भर रहे हैं तो आपका दर्जी का कुछ काम आना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो इसमें हाइट और चेस्ट को लेकर है, तो पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं। तो हाइट जो है वह अदर जो कैटेगरी होता है, फॉर एग्जाम्पल जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के लिए यदि आप मेल हैं तो आपका जो हाइट है वो 1.70 होना चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं ST जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए, तो आपका हाइट 1.6 to 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो ST कैंडिडेट है उसका चेस्ट 76.81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो OBC या जनरल या EWS के आते हैं उन सभी का जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वहीं हम ST कैंडिडेट का हाइट का बात कर लें तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, इसके लिए वीडियो जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा हम डाल देंगे। आप आसानी से वीडियो देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होता है 27 मार्च को हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए योगी ऑनलाइन वेब्स, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।